उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से देर रात दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां पंजाब से अपने घर बिहार पैदल जा रहे मजदूरों को तेज रफ्तार से आ रही यूपी रोडवेज की बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए घायलों के उपचार और मृतकों के पार्थिव शरीर को बिहार उनके घर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना को सामूहिक नरसंहार बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अवाक हूँ, मर्माहत हूँ। अभी सूचना मिली है कि बिहार के 10 मजदूर पैदल घर आ रहे थे, सहारनपुर में यूपी रोडवेज की बस ने उन्हें कुचल दिया, 6 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना है, लेकिन असल में ये हत्या है। देश और राज्य की सरकारें मिलकर इन सामूहिक नरसंहारों को अंजाम दे रही। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए भले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला दी गई हो, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते अब भी देश के विभिन्न इलाकों से मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल जाने को मजबूर हैं, और इस मजबूरी के चलते उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। मुजफ्फरनगर से पंकज बालियान की रिपोर्ट।